मिर्जापुर की ओर ले चलते हैं, जहां पर हलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गजरिया में प्रधान व कोटेदार से ग्रामीण जनता परेशान, जिसमें सीजोर पाल व राम किशोर और अन्य ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे ग्राम पंचायत में पूरा काम अधूरा पड़ा हुआ है, जैसे कि जगह जगह सड़क, राशन कार्ड, आवास योजना, शौचालय, तालाबों। लोगों द्वारा बताया कि अब तक कुल 2 लाख का चबूतरा बनाया गया है, जो कि सभी चबूतरे कच्चे हैं और कोटेदार की भारी लापरवाही है, जो कि लोगों के कार्ड पर 5 यूनिट होना चाहिए तो 3 यूनिट दिखा रहे हैं और 8 लोगों के कार्ड को निरस्त कर दिया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर लालगंज से संवाददाता संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से संतोष कुमार, इसमें पहुंचा हूं हलिया थाना क्षेत्र के गजरिया गांव में। यहां लोगों का कुछ समस्या है, देखते हैं क्या समस्या है। भाई आपका क्या नाम है? फुलजल पाल। आपका क्या समस्या है? हम लोग का ये समस्या है सर कि यहाँ 12 आदमी है, हम लोग कोटा नहीं मिल रहा है, हम लोग का 4 आदमी का मिलता है, 8 आदमी का काट के फेंक दिया है। कौन काट कर फेंक दिया? अंजना देवी, जो कि ये लोग हैं। अंजना देवी कौन है? बांटने वाला काट के फेंक दिया है, जो देता है यहाँ के कोटा प्रधान है। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? राम किशोर। राम किशोर, आपका क्या समस्या है? समस्या हमारा ये है कि न तो मैंने आज तक आवास पाए, अच्छा, न तो कोई पेंशन पाए। अच्छा भाई, कोटा तो कुछ मिल रहा है ये बात नहीं है, अच्छा, मगर कार्ड भी नहीं मिला है। अच्छा, कार्ड नहीं मिला है? कार्ड भी नहीं मिला है, अच्छा। न तो रहने के आवास मिली, न तो पीने के चापा मिला, यानी आपको कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा मुझे नहीं मिली है अभी तक सरकार की तरफ से। अच्छा भैया, आपका क्या समस्या है? साहब कोई नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है साहब? तो कहते हैं कि हम कार्ड लिया हो तो कोटा दें।